बहुत सिंपल सा फंडा बताता हूँ। हम लोग यहाँ पे गए, सीन है हमारे पास ये, ठीक है। अभी सीन के अंदर मुझे क्या करना है, देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ, यहाँ पे सिंपल सा पार्ट, अगर यहाँ पे क्रॉस चेक करते हैं यहाँ पे, आउटलाइन है, ठीक है। आउटलाइन है जो यहाँ पे लाइट तो नहीं है कोई मेरे पास, यहाँ पे लाइट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सो मैं गए ऑब्जेक्ट में, चेक किया, लाइट नहीं है मेरे पास, ठीक है। इसको इस व्यू को मैक्सिमाइज करते हैं हम लोग। यहाँ पे करना क्या है, आर्नल में जाओ, ठीक है, लाइट में जाओ एंड स्काई रूम, ठीक है, यू कैन नोट इट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, आर्नल में गए, लाइट में गए, स्काई रूम, सिंपल क्लिक किया, बहुत इजी से प्रोसेस है। क्लिक करते ही आपके पास एक डोम आ जाएगा, ठीक है। देन यू कैन जस्ट रेंडर इट, रेंडर करो, किसमें करना है, आर्नल में। यहाँ देखो अपने आप थोड़ा थोड़ा सा लाइट कैंप बहुत बढ़िया सा दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, सिंपल सा पार्ट, एक ई हमने सेट किया, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे देखा कैसे क्या काम करना है। अभी मुझे लगता है कोई लाइट का लाइट का इम्पैक्ट बढ़ाना है, कम करना है, आप यहाँ से इंटेंसिटी बढ़ा सकते हो। इंटेंसिटी मतलब लाइट की पावर, मैंने किया 2, एक बार क्रॉस चेक कर लो आप यहाँ पे, बहुत ज़्यादा हो गया है ना। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ठीक है, 1 इज गुड। दूसरा काम क्या है, लाइक मुझे यहाँ पे क्या करना है, जो भी मैं रेंडर निकालूंगा कैमरे के साथ निकालूंगा, कैमरा आपको लेके चलना है। मैंने यहाँ पे क्या किया, क्रिएट कैमरा, ठीक है, कैमरा हम लोग लगाया, पहले भी लगा रखा है। पैनल पे गए, लुक थ्रू सिलेक्टेड, और कैमरे एंगल हम थोड़ा सा मैनेज कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। कैमरे एंगल में ये दिखा रहे हैं कि कैमरे में ऐसा कुछ दिखना चाहिए, ठीक है, एज सच लाइक थोड़ा सा 3D लुक एंड फील आना चाहिए, ऐसे करके दिखाया हमने यहाँ पे, ठीक है। सेंटर करने के लिए आपको मैं बता चुका हूँ, सेंटर करने के लिए आपके यहाँ पर आइकन होता है यहाँ पे, जो ग्रिड के सेंटर में आपको रखना है यहाँ पे, ठीक है। जो भी आपको काम करना, इस आइकन को यूज़ करोगे, फिल चार्ट ऑफ कर दो, ऑन कर लो, चेक कर लो। अभी चलते हैं पर्सपेक्टिव में। अभी हमने बेसिक काम तो कर लिया, इस पर क्या करना है, इसमें मटेरियल असाइन करना है। मटेरियल कैसे असाइन करना है, देखो नोट करो, राइट क्लिक, असाइन न्यू मटेरियल, ठीक है। यहाँ में आता है, न्यू मटेरियल पे गए, आर्नल पे गए, यहाँ पे आपका AI स्टैंडर्ड शेडर, ठीक है, AI स्टैंडर्ड सरफेस शेडर होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, AI स्टैंडर्ड सरफेस पे क्लिक किया। अभी मुझे किसका बनाना है, लाइक मैं प्रोसेस पे गया, मुझे यहाँ पे क्या करना है, कॉपर बनाना है, कॉपर बना दो, ठीक है। यहाँ चेक करो कॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पे क्या आपको कलर मिलेगा, लेकिन देखो मेरे पास इन्वायरमेंट वाइट है ना, इसलिए ये इन्वायरमेंट के जैसे ही आएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, प्रोसेस पे गए, गोल्ड करके देखते हैं, चेक करो यहाँ पे कुछ चेंज आ रहा कि नहीं आ रहा। तो ऐसे करके आपको चीज़ें मिलेंगी, डब्बे मिलेगा आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे जो भी मैं चेंज करने वाला हूँ यहाँ पे, लाइक मैंने यहाँ पे प्लास्टिक किया गया, प्लास्टिक में देखो प्लास्टिक में कैसा आ रहा है, जिसमें जो चीज़ दिखे जैसा लग रहा है अच्छा है, उसको वैसा कुछ लुक एंड फील दो, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, लाइक मुझे लगता है यहाँ पे कुछ, ठीक है, मैं यहाँ पे कॉपर को ही लेने वाला हूँ, कॉपर लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। एक बार मैं मटेरियल असाइन कर लेता हूँ, वही मटेरियल को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं वुड का नहीं है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, न्यू मटेरियल, आर्नल पे गए यहाँ पे, AI, ठीक है, स्टैंडर्ड सरफेस, ठीक है। मैं यहाँ पे लाइक मैंने वुड का नाम दे दिया, वुड नहीं है मेरे पास, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे प्लास्टिक सा ले लेते हैं, प्लास्टिक लिया, ऐसे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लाइक जो कलर है कलर को चेंज कर लो आप यहाँ पे, जैसे जो भी आपका पार्ट है यहाँ पे, ओके। साइनिंग वेट यहाँ पे देखो, वेट ज़्यादा है, ठीक है, किया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे वेट, ये वेट देखो, वेट को थोड़ा कम करो, ये थोड़ा साइनिंग कम हो जाएगा यहाँ पे, स्पार्क लगे वेट कम करो, साइनिंग कम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके मैं थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पर मुझे क्या करना है, क्लॉथ देना है, यहाँ पे सेलेक्ट किया, इनको इनको सेलेक्ट कर दिया, राइट क्लिक, असाइन न्यू मटेरियल, आर्डल पे गए, AI सेंटर सरफेस, ठीक है। यहाँ देखो क्लॉथ है क्या कहीं पे, रबर, प्लास्टिक, मिल्क, सोडा, ठीक है, ग्लास, रोस्टेड है, कॉपर, क्ले, ठीक है। मेरे ख्याल यहाँ पे क्लॉथ भी यहाँ पे यूजल नहीं है, ठीक है। तुम लोग क्लॉथ के लिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कुछ और यूज़ कर सकते हैं। मेन चीज़ क्या है कि मैं उसमें साइनिंग, क्लॉथ में साइनिंग नहीं होती। मैंने यहाँ पे क्या किया, ठीक है, मैं प्लास्टिक पे गया, प्लास्टिक का मैं यहाँ पे क्लॉथ में लाइक चेंज करने के लिए क्या करने वाला हूँ, सिंपल सा फंडा, क्लॉथ मुझे देना है कुछ ऐसा कुछ कलर लाइट, ओके, स्पैकुलर को कर देते हैं यहाँ पे, सिंपल सा बॉट, मैंने यहाँ पे कलर चेंज किया यहाँ पे हल्का सा येलोइश, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं स्पैकुलर नहीं चाहिए मुझे यहाँ पे, तो मैंने ये कर दिया, ठीक है।
तो मेरे को तो था आइडिया कैसे क्या काम करना, तो कर सकते हैं यहाँ पे अभी ऊपर जो मैंने यहाँ पे कलर दिया राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट वही मुझे नीचे भी देना है ठीक है। अभी यहाँ पे क्या लिया मैंने कॉपर लिया है, तो मैं जैसे सिंपल सा पार्ट तो भी हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे चीजों को मैनेज कर सकते हैं, कॉपर कर लिया नीचे वाले को मैं यहाँ पे कॉपर कर दूंगा ठीक है। सब कुछ सिलेक्ट कर लो आप यहाँ पे, डी सिलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे इतना पार्ट, राइट क्लिक असाइन कॉपर और ये भी हो गया क्या, इसको मैं यहाँ पे क्या वोट का नाम दे रखा था वोट कर दिया यहाँ पे ठीक है। नीचे वाले को वोट का नाम दे रखा था ठीक है, जी प्रेस कर देंगे याद आएगा ऐसे करके बेसिक हमने कलर दे दिया यहाँ पे। अभी क्या करते हैं चलते कैमरे में, कैमरे में गए रेंडर करके चेक करते हैं यहाँ पे कैसा आ रहा है। अभी ये लुक एंड फील आ रहा है, अभी यहाँ पे दोस्तों लुक एंड फील में थोड़ा मैनेज करेंगे, भाई बहुत डार्क सा दिख रहा है यहाँ पे, इस डार्क को थोड़ा हम लोग लाइट करते हैं यहाँ पे राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट ठीक है, और लाइट करने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं आपका ठीक है कुछ सिमिलर नॉट एग्जैक्ट लेकिन उसके पास कुछ ऐसा ही कुछ हम लोग मैनेज करने वाले कि भाई हम ऐसा कुछ करने हैं कि कैसे हमारे पास कलर का लुक एंड फील दिखेगा यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा लाइक ऐसे करके मैनेज करेंगे ठीक है। अभी हमने बेसिक एक हमने काम किया, अभी देखो मेटल का लुक मेटल जैसा दिख रहा है लेकिन बहुत बढ़िया नहीं दिख रहा, बहुत बढ़िया दिखाने के लिए क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे एक एच डी आई यूज करते हैं, इसको सिलेक्ट करो जो हमने पहले क्रिएट किया था डोम को, यहाँ पे कलर देखोगे कलर के सामने एक बॉक्स है, उस बॉक्स में जाके क्लिक करो, फाइल कॉल करो, उस फाइल में जाके ना वो एच डी आई इमेज जो मैंने आपको बताया ठीक है, लेकिन मैं बस यहाँ पे कहाँ पे है अगर चेक करो यहाँ पे बस एच डी आई इमेज है, कंट्रोल सी ठीक है एंड देन कंट्रोल वी एंटर ठीक है एच डी आर है ठीक है। एच डी आर में यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे एक ही एच डी ठीक है, मैंने एक एच डी लिया मैंने यहाँ पे, अभी यहाँ पे चेक करो देखो पहला रेंडर ये मैंने सेव किया, अब क्या रेंडर चेक करो पहले में अब में कोई डिफरेंस आया क्या, अब देखो यहाँ पे डिफरेंस आया लुक एंड फील चेंज हुआ ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं लाइक मेरे पास यहाँ पर मैं देखूँ यहाँ पे मेरे को लुक एंड फील अच्छा आ रहा है, अभी यहाँ पे थोड़ा सा इसका इम्पैक्ट मुझे बढ़ाना है, मैं बढ़ा सकता हूँ यहाँ पे मैंने अभी इंडस्ट्री को किया लाइक 2 कर दिया, तो अब ये थोड़ा सा इम्पैक्ट बेटर दिखेगा। तो अभी देखो यहाँ पे पहले से अच्छा लुक एंड फील आना स्टार्ट हो गया ठीक है। अभी यहाँ देखो यहाँ पर कितना ब्राइट जो कैसे दिख रहा था यहाँ पे जो लुक एंड फील नहीं आ रहा था, अभी हम यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं ठीक है। हमने यहाँ पे लाइक कॉपर ले रखा है, कॉपर लाइक मॉडल का लुक एंड फील भी दिख रहा है यहाँ पे, तो ऐसे करके हम लोग मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। दूसरी बात लाइक मैंने यहाँ क्या किया लाइक राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट कॉपर द कॉपर को चेंज कर दें एक बार लाइक व्हाट आई वांट गोल्ड, गोल्ड में चेक करते हैं अभी मैंने एक पे चेंज करूँगा बाकी सबका हो जाएगा देखो, तो गोल्ड का इम्पैक्ट में बस ऐसा आ सकता है ठीक है। एक ये भी लुक एंड फील दिया, अगर मैं चाहूँ यार मुझे ओवरऑल सबको गोल्ड पे दिखाना है ना, हम लोगों को कुछ ऐसा कुछ करने मैं पूरा ओवरऑल गोल्ड पे दिखा सकता हूँ, तो गोल्ड का भी दिखाया जा सकता है ठीक है। एक ऑप्शन मैंने ये लिया, मैंने सबको सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे ठीक है, एक सिंपल सा पार्ट मेरे पास ये मॉडल है मेरे पास यहाँ पे ठीक है, मैं अपने मॉडल को सबको सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे चलते हैं फ्रंट व्यू में, फोकस सेलेक्ट कर रखा है मैंने यहाँ पे ठीक है, डब्लू एंड परफेक्ट में जाओ कंट्रोल जी कर सकते हैं कंट्रोल जी फॉर ग्रुप ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ सिंपल सा पार्ट, ये मेरा कैमरा है कैमरे को मैक्सिमाइज करते हैं यहाँ पे पैनल में गया कैमरा ठीक है, कैमरा ये आ गया मैंने दूसरे व्यू को लिया यहाँ पे सेलेक्ट करके ग्रुप है मेरे पास यहाँ पे ओके। ग्रुप करने के बाद मैं क्या करता हूँ कंट्रोल डी डुप्लीकेट, अभी मुझे कैसे रिप्रेजेंट करना है ये डिपेंड करता है, मैंने यहाँ पे क्या किया एक कंट्रोल डी ये कर दिया एक कंट्रोल डी मैंने यहाँ पे कर दिया ठीक है। अभी इसमें मैं क्या करने वाला हूँ लाइक मैंने हल्का सा टर्न कर दिया रोटेशन दे दिया, मैं ऐसा करके दिखाने वाला हूँ भाई ऐसा भी कुछ हमने मेहनत कर रखी है, तो हम लोग यहाँ पे हर एंगल को थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने वाले यहाँ पे ठीक है। ऐसा कुछ किया हमने यहाँ पे तो ऐसा कुछ करके कैमरे को मैं थोड़ा सा सेट करने वाला हूँ ठीक है। स्पेसिंग है मेरे पास यहाँ पे, स्पेसिंग के लिए मैंने अभी क्या किया सेट कर रखा है यहाँ पे डब्लू ओके कैमरे के अकॉर्डिंग यहाँ पे थोड़ा मैं मैनेज कर रहा हूँ पे ठीक है। तो सब कुछ लेके मैं चल रहा है यहाँ पे प्रेजेंटेशन आपको कैसे करना हो सब कुछ आपको ध्यान देना है कि भाई मेरा प्रेजेंटेशन जो होना चाहिए वो थोड़ा सा बढ़िया दिखे यहाँ पे। यहाँ पे चेक करते हैं यहाँ पे सिंपल सा पार्ट स्टेटस लाइन रेंडर किया मैंने यहाँ पे, तो मेरे पास ऐसा कुछ आने वाला है ठीक है। यह हमने सेट किया, ये कल का पूरा नॉइज आता है यहाँ पे
ठीक है, उस हल्के फुल्के नॉइस के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, रेंडर सेटिंग में चलेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ देखो कैमरा दिख रहा है, सिंपल कुछ नहीं करना। स्टार्टिंग में आपको जो रेंडर निकालना है वो एच डी होना चाहिए, एच डी मतलब ठीक है। यहाँ चेक करो, यहाँ पे 108 जो साइज आपको ये होना चाहिए। देन ऑलआउट रेंडर पे जाना, ऑलआउट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे ये जब आपको नॉइज दिखे हल्का सा बढ़ाना है, थोड़ा सा टाइम लेगा लाइक 3 4 5 ऐसे करके। ये साथ में ए वी एफ को उसके साथ ही रखना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये ट्रिपल एस मत करना यहाँ पे। देन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्लिक एंड रेंडर। मैंने आप किया एक सिंपल रेंडर मेरे पास यहाँ पे आ चुका है। चलो यहाँ पे क्या, जो हम फाइल सेव करेंगे ना, सेव करने पर मेरे दो ऑप्शन आएंगे, एक आपका रॉ आएगा, एक आपका कलर मैनेज आएगा, ठीक है। आपको कलर मैनेज पे काम करना है, नहीं तो ये बहुत डल हो जाएगा। मैं आपको दोनों ऑप्शन दिखा देता हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल सा डेस्कटॉप पे मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बना के रेंडर कर दिया, ठीक है। ठीक है, अभी ये मैंने यहाँ पे सेव किया, एक मैं इसमें भी आपको तो सेव करके दिखाता हूँ यहाँ पे। अप्लाई एंड क्लोज, ठीक है। विंडो डी कर दिया मैंने यहाँ पे, यहाँ क्रॉस चेक करो आप, यहाँ पे एक मेरे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। देन दूसरा मैं यहाँ पे क्रॉस चेक करते हैं, यहाँ पे फाइल पे गए, सेव इमेज, फाइल सेव, ठीक है। रेंडर मैंने यहाँ पे किया रॉ और ए डब्ल्यू रॉ, ठीक है। यहाँ क्रॉस चेक करो, यहाँ पे देखो एक डल आ रहा है, देखे यहाँ पे। तो ऐसा नहीं आना चाहिए, आपको इस पर कॉन्सेंट्रेट करना है कलर मैनेज वाले पे, ठीक है।